जय हनीमैन। आज फिर एक नई दवाई के साथ, नई मतलब पुरानी है, उतनी नई नहीं है लेकिन हमारे लिए तो नहीं, पहली बार ले रहे हैं, जिस दवाई का नाम है लैकेसिस। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन, पॉलीक्रेस्ट है और रिंगवॉर्म से लेके कार्सिनोमा तक हर एक कंप्लेंट के अंदर जब आपको लैकेसिस के इंडिकेशन मिले तो वहाँ पर लैकेसिस दिया जा सकता है। लैकेसिस इज मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिसाइड कर लीजिए पहले, ओके, पॉइजन ऑफ सुडोकुकु स्नैक। जहर खिला रहे हैं क्या, पॉइजन दे रहे हैं कि मेडिसिन दे रहे हैं? तो हमें इसमें पॉइजन से मतलब नहीं है, हमें उस एनर्जी से मतलब है जो उस पॉइजन में है, और उस एनर्जी को हम मरीज के दरमियान ट्रांसफर कर रहे हैं। सो जो नेगेटिव एनर्जी होंगी डिसीज की, वो नेगेटिव एनर्जी को ये पॉइजन की एनर्जी होगी वो न्यूट्रलाइज्ड कर देगी, मतलब प्लस और माइनस इज इक्वल टू जीरो, सो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। सो हमें उस एनर्जी से मतलब है, होम्योपैथी इज कंसर्न अबाउट एनर्जी, हमें हर जगह एनर्जी से मतलब है, कोई मटेरियल थिंग से मतलब नहीं है। हमारा वाइटल फोर्स है तो कौन से फॉर्म में है, डायनेमिक यानी एनर्जेटिक फॉर्म में। हमारा मायाजम है तो कौन से फॉर्म में है, डायनेमिक यानी कि एनर्जी फॉर्म में। तो मेडिसिन भी किस फॉर्म में होनी चाहिए, एनर्जी फॉर्म में। सीमेन रिपोर्ट देखा है आपने, क्या क्या होता है उसमें? फिर टोटल काउंट, हाँ। सो मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो मोटाइल स्पर्म लिया और नॉन मोटाइल स्पर्म लिया, दोनों के अंदर क्या फर्क है, क्या फर्क है उसकी मॉर्फोलॉजी में, कोई फर्क है? तो क्या फर्क है मोटाइल और नॉन मोटाइल के अंदर, फर्क क्या है? एनर्जी। उसी तरह एक लिविंग ह्यूमन बीन और एक डेड बॉडी, दोनों के बीच में क्या फर्क है, एनर्जी। उसी तरह हमें भी उस एनर्जी से ही मतलब है। एक जो स्पर्म्स होते हैं तो उनका भी दो पार्ट होता है, एक मटेरियल बॉडी होता है और दूसरा होता है डायनेमिक एनर्जी। सो हमारे कॉन्सेप्ट में, एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट के दौरान जो ब्रह्मचर्य की विभावना दी गई थी, उसका मतलब यही था कि वो जो एनर्जी है स्पर्म्स की, उस एनर्जी का पॉजिटिव वे में यूटिलाइजेशन करना, उनको उन शुक्र कोषों से कोई मतलब नहीं था, उस एनर्जी से मतलब था। सो कैन अ नॉन मोटाइल स्पर्म यूजफुल फॉर फर्टिलाइजेशन? सो वॉट इज यूजफुल? यूजफुल इज एनर्जी, जिसको कहां नापा नहीं जा सकता है, पता चल रहा है? एनर्जी को हम नाप नहीं सकते हैं, उसको किसी भी तरह से हम साबित भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ उसका इफेक्ट है। अगर स्पर्म मोटाइल है तभी फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म नॉन मोटाइल है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है। उसी तरह हम जो यहां पे लेंगे वो एनर्जी लेंगे, हमें उस एनर्जी से मतलब है, पता चल रहा है? हमें उस फिजिकल फॉर्म से मतलब नहीं है, उस पॉइजन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है एनर्जी से। तो क्या है लैकेसिस म्यूटा की एनर्जी, कौन कौन से इंडिकेशन मिले तब लैकेसिस सोचना है, तो चलिए हर रोज देखते हैं उसके मुताबिक। हॉट इज फर्स्ट इंडिकेशन फॉर लैकेसिस, गर्मी बर्दाश्त न हो पाना, गर्मी में ना रह पाना। डॉक्टर साहब ऐसी होता है ना तो मैं 18 पे रखता हूँ, इतना गर्मी हो रहा है कि अभी लेक्चर लेते लेते देखो पसीना पसीना हो गया। गर्मी तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती है। थर्स्टी, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, बार बार पानी पीना, बार बार पानी पीना। लेफ्ट साइडेड कंप्लेन और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हर दिक्कत लेफ्ट साइडेड है।
अगर आपके पास मरीज आया, सोनोग्राफी देखा, स्टोन है तो लेफ्ट साइडेड, ओवेरियन सिस्ट है तो लेफ्ट साइडेड, मेन सिस्ट का दिक्कत है, ओवेरियन सिस्ट है तो लेफ्ट साइडेड, हेडेक हो रहा है तो लेफ्ट साइडेड, फ्रोजन शोल्डर हुआ है तो लेफ्ट साइडेड, चेस्ट पेन हो रहा है तो लेफ्ट साइडेड, हार्ट के ऊपर इफेक्ट है तो LVH, LBBB, अगर कंसोलिडेशन है तो लेफ्ट चेस्ट के अंदर, लेफ्ट लंग के अंदर, मालूम चल रहा है हर चीज लेफ्ट साइडेड, इरप्शन है, रिंगवर्म है तो लेफ्ट साइड से शुरू होके राइट साइड की ओर, माने अगर लेफ्ट साइडेड मिलता है तो इट इज इंडिकेशन फॉर लेकेसिस, जरूरी नहीं है कि लेकेसिस के हर केस के अंदर लेफ्ट साइडेड मिलना चाहिए, अगर राइट साइडेड मिलता है लेकिन दूसरे इंडिकेशन है तो लेकेसिस दिया जा सकता है, इवन स्लीप एंड साइटिका राइट साइडेड मिलेगा, ऑल कंप्लेन आर लेफ्ट साइडेड बट साइटिका अगर राइट साइडेड मिलता है तो इट इज इंडिकेशन फॉर लेकेसिस, स्लीप राइट साइडेड मिलता है तो इट इज इंडिकेशन फॉर लेकेसिस, एग्रावेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्लीप, नींद के दौरान और नींद के बाद हर दिक्कत बढ़ जाना, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, डॉक्टर साहब 8 घंटे सोया लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं सोया, एग्रावेशन बाय वार्मथ इन एनी फॉर्म, वेरी सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर, डार्क क्लॉटेड डिस्चार्ज और डार्क क्लॉटेड ब्लड, अब मेंसिस है तो डार्क क्लॉटेड होएगा, ठीक है, सो अभी अभी जो डिसीज आए हैं उनके अंदर क्या होता है, ब्लड कैसा हो जाता है, विस्किड हो जाता है ना, कुछ रिपोर्ट्स बढ़ जाते हैं वो आप सबको मालूम होगा, हमें नहीं मालूम है, हमें इतना मालूम है कि ब्लड विस्किड हो जाता है, उसके कारण उसका सर्कुलेशन कम होता है, तो वहां पे भी इसको क्या बोलते हैं, डार्क ब्लड ना, विस्किड मतलब डार्क होएगा ना तभी तो विस्किड होएगा, सो इट इज ऑल्सो इंडिकेशन फॉर लेकेसिस, एग्रावेशन ड्यूरिंग क्लाइमेसिस, नॉट एग्रावेशन, मेनोपॉज के दौरान, मेनोपॉज के आजू बाजू या मेनोपॉज के बाद कोई भी दिक्कत शुरू हो तो वहां पे लेकेसिस सोचा जाना चाहिए, सिर्फ एक इसी इंडिकेशन के ऊपर हमने बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन किए हैं, ड्यूरिंग मेनोपॉज हॉट फ्लशेस, हॉट पेशेंट, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड स्लीप, लेकेसिस, ड्यूरिंग मेनोपॉज हाइपरटेंशन, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, राइट साइडेड स्लीप, हॉट पेशेंट, लेकेसिस, ड्यूरिंग मेनोपॉज कंप्लेन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्लीप राइट साइडेड ऑन, स्वीट डिजायर, हॉट पेशेंट, थ्रोट क्लोदिंग एग्रावेशन, लेकेसिस, इस एक इंडिकेशन के ऊपर बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन के, इवन हाइपोथायरॉइडिज्म, वेट गेन, ओबेसिटी, राइट साइडेड स्लीप, हॉट, थ्रोट क्लोदिंग एग्रावेशन, इस हाइपोथायरॉइडिज्म के केसेस में थ्रोट क्लोदिंग एग्रावेशन को बहुत महत्व नहीं देना है, फिर भी मिल रहा है तो ले लेते हैं, लेकेसिस, सो इस तरह से बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन, वेरी यूजफुल ड्रग, फ्रीक्वेंटली यूज ड्रग, हर रोज 8-10 प्रिस्क्रिप्शन लेकेसिस के होते हैं, इवन लेफ्ट साइडेड ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेफ्ट साइडेड नी जॉइंट पेन, राइट साइडेड स्लीप, एग्रावेशन आफ्टर स्लीप, डार्क क्लॉटेड ब्लड, मेनोपॉज आफ्टर, हॉट एंड थर्स्टी, मेडिसिन इज लेकेसिस, टाइट क्लोदिंग एग्रावेशन, वॉन्ट्स लूज क्लोथ, टाइट क्लोदिंग कहीं पे भी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गले में, टाइट क्लोदिंग अच्छा नहीं लगता है डॉक्टर साहब, कपड़े तो ढीले ही अच्छे लगते हैं, या तो आपने देखा कि मरीज जितनी बार 3-4 बार फॉलोअप में आए लूज क्लोथ ही पहन के आए हैं, तो आप वहां पे ऑब्जर्वेशनल सिम्टम के ऊपर भी ये इंडिकेशन ले सकते हैं, हेमरेजिक लाइक चैरेड स्रॉ, स्मॉल wounds ब्लीड इजीली एंड profusely. हेमरेजिक है तो दूसरा मेडिसिन फॉस्फरस और सबाइना ग्रेफाइटिस, यस हेमामेलिस, तो इन सब मेडिसिन की कैटेगरी में, मतलब कि मेंसिस ज्यादा दिनों तक रहता है, अबॉर्शन हो जाना है, मालूम चल रहा है, ये सब हेमरेजिक टेंडेंसी ही है, एपिस्टेक्सिस होना, पाइल्स होना, फिसर होना, तो हमारा एक बहुत अच्छा स्टडी किया हुआ है, जिनको पाइल्स या फिसर रहते हैं उनको अगर सिमिलिमम के द्वारा अच्छे से ट्रीट करने में नहीं आया और उनको अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया गया तो कुछ समय के बाद उनको हाइपरटेंशन डायग्नोसिस किया जाता है, सो अगेन पैथोलॉजी चेंज हो सकती है लेकिन मेडिसिन वही परसिस्ट कर रही है, पता चला,
जब उसको पाइल्स थे तो बहुत ब्लीडिंग था, राइट साइडेड स्लीप था, हॉट पैशन था, क्लाइमेटरी ड्यूरिंग कंप्लेन था, लेकिन तभी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, 2-3 साल चले गए, उसके बाद उसको हाइपरटेंशन डेवलप हुआ। तो हाइपरटेंशन हुआ, थ्रोट क्लोथिंग एग्रावेशन या तो टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन मिला, राइट साइडेड स्लीप मिला, हॉट पैशन मिला, पैथोलॉजी पूरा चेंज हो गया, पाइल्स से हाइपरटेंशन पे आ गया, लेकिन आपका मेडिसिन लेकेसिस। पता चल रहा है होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी एक विचारधारा है, होम्योपैथी एक सोच है। ये सोच जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगी उसके बाद आप एज अ होम्योपैथ बहुत अच्छा काम करेंगे। होम्योपैथ कोई दवाइयों का साइंस नहीं है, होम्योपैथी में कुछ ऐसा नहीं है इसके लिए ये दवाई, इसके लिए ये दवाई, इसके लिए वो दवाई, इसके लिए वो दवाई, ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी सिद्धांतों का विज्ञान है। सिद्धांत किसे बोलते हैं? जिस तरह से आपको ताप से बचना है, सनलाइट से बचना है, सूर्य प्रकाश से बचना है, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जो आपको छांव दे, उसको सिद्धांत बोलते हैं। अब इस सिद्धांत का उपयोग करके पहले एंशियंट जमाने में जो लोग थे वो पेड़ के नीचे या गुफा के अंदर सो जाते थे तो भी वो ताप से, सनलाइट से बच जाते थे। उसके बाद थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ तो पर्ण कुटीर बनने लगी, ऋषि मुनियों का जमाना आया, वो घास फूस और पत्तों से पूरा पर्ण कुटीर बनाते थे तो वहां पे भी वो सनलाइट से बच जाते थे, ताप से बच जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, भूंगा की अवधारणा हुई। हमारे वहाँ कच्छ में भूंगा होता है, माने थोड़ी थोड़ी आधी आधी दीवारें माटी से बनाई हुई होती हैं और उसके ऊपर ऐसे घास फूस रख दिया जाता है, तो वो भी क्या करता है, ताप से बचाता है, सनलाइट से बचाता है, बारिश से बचाता है। मतलब सिद्धांत वही यूज हो रहा है, पेड़ से गुफा, गुफा से पर्ण कुटीर, पर्ण कुटीर से भूंगा, भूंगे के बाद क्या हुआ, घर अस्तित्व में आए। कौन से? वो माटी से बनाए हुए और ऊपर क्या होता था, यस, तो वो भी अवधारणा सेम थी ना, सिद्धांत सेम ही था उसमें भी, कि कुछ चाहिए कि जो सनलाइट को ले ले और हमें नीचे छांव दे, तो वही हो रहा था। उसके बाद पहले हमारे देसी नड़िया वपरा था, इसके बाद इंग्लिश नड़िया आएगा, ठीक है, लेकिन अवधारणा विल भी सेम वही था, कि कुछ बीच में आ गया, वो छांव दे रहा था, हम लोग नीचे बैठे थे। उसके बाद क्या हुआ, हवेलियों का कॉन्सेप्ट आया, बंगलों का कॉन्सेप्ट आया, तो क्या हुआ, छत डाली गई, तो उसमें भी क्या होता है, अवधारणा तो सेम है, सिद्धांत तो वही चाहे कि कुछ बीच में कुछ आ जाता है, हम लोग नीचे बैठ जाते हैं, ताप बारिश सबसे बच जाते हैं। पता चल रहा है, इसके आगे और कुछ आएगा, फ्लैट्स आ गए, बहुत सारे मकान एक साथ आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन अवधारणा सिद्धांत तो वही का वही है जो आज से 5,000 या 10,000 साल पहले जब चिंपांजी में से मनुष्य की ओर हम आए थे और यूज कर रहे थे, वही सिद्धांत आज भी यूज हो रहे हैं। हाँ, मटेरियल बदल रहा है, उसी तरह होम्योपैथी के अंदर सिद्धांत वही रहेंगे, चाहे मेडिसिन बदल जाए, डिसीज बदल जाए, डिसीज के नाम बदल जाए, पैथोलॉजी की जगह बदल जाए, पैथोलॉजी का नाम बदल जाए, चाहे पहले पैरासाइट का डिसीज हो, फिर बैक्टीरिया का डिसीज आए, फिर वायरस का डिसीज आए, फिर ऑटोइम्यून डिसीज आए, लेकिन सिद्धांत वही रहेंगे। पता चला, मलेरिया फीवर हुआ, जिसके अंदर फीवर विथ चिल्स है, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन है, एग्रावेशन ड्यूरिंग और आफ्टर स्लीप है, थर्स्टी है और हॉट है, तो मलेरिया कॉज बाय पैरासाइट, तो उस फीवर के अंदर कौन सा मेडिसिन आएगा, लेगेसिस, ठीक है। फिर ट्यूबरकुलोसिस हुआ, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर स्पेशली लेफ्ट लंग के अंदर ट्यूबरकुलर बेसिलाई ने पैच बनाया, पूरा कैविटी फॉर्मेशन है, स्पूटम के अंदर ब्लड आ रहा है, पेशेंट राइट साइडेड स्लीप लेता है और सोते समय तो उसको बहुत खांसी आती है, हॉट है और क्लाइमेट्रिक एज के ऊपर है, तो मेडिसिन कौन सा आएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलर इज ऐसी लाई ना, मेडिसिन कौन सा आएगा, लेगेसिस आएगा ना। उसी तरह पेशेंट को अभी अभी वाला इन्फेक्शन है जो आजकल चल रहा है, लेफ्ट लोब ज्यादा अफेक्टेड है, पेशेंट को सोने के समय बहुत खांसी आती है, बलगम निकलता है और बलगम के साथ खून निकलता है, पेशेंट राइट साइडेड सोता है
और क्लाइमेट्रिक एज है, तो कौन सा मेडिसिन आएगा? वायरस का डिजीज है फिर भी लैगेसिस। पेशेंट को डायग्नोसिस हुआ है एलर्जिक अस्थमा, ठीक है, सोते समय बहुत दिक्कत होती है पेशेंट को, उसके पहले टॉन्सिल का बहुत दिक्कत रहता था, उसका सर्जरी हो गया है, पेशेंट राइट साइडेड सोता है, ब्लीडिंग का हिस्ट्री है और पेशेंट को हॉट है और थर्स्टी है, तो उस एलर्जिक अस्थमा में कौन सा मेडिसिन आएगा? पेशेंट को ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा डायग्नोसिस हुआ है, लेफ्ट लोब के अंदर डायग्नोसिस हुआ है, लेफ्ट लोब के अंदर कार्सिनोजेनिक पैच है, राइट साइडेड स्लीप है, हॉट पेशेंट है, आफ्टर क्लाइमेट्रिक डायग्नोसिस हुआ है, पहले यूटेरस का सर्जरी कराया हुआ है और स्पूटम के साथ ब्लड निकलता है, कौन सा मेडिसिन आएगा? अब पता चला होम्योपैथी क्या है। हर बार आप पेड़ से गुफा के अंदर, गुफा से पर्ण कुटीर, पर्ण कुटीर से बूंगा, बूंगे से देसी मकान, देसी मकान से बंगलो और बंगलो से हवेली, हवेली में से फ्लैट के अंदर घूमते रहे, लेकिन आपका सिद्धांत एक ही था, क्या? ऊपर छत होना चाहिए। उसी तरह हर बार पैथोलॉजी बदलती गई, डिसीज का नाम बदलता गया, लेकिन इंडिकेशन वही थे, तो मेडिसिन कौन सा आएगा? वही चाहेगा। ये होम्योपैथी है, ये सोच आपको डेवलप करना है, और ये सोच आपके अंदर डेवलप हो गई तो आप अच्छे से अच्छा होम्योपैथी कर पाएंगे। मैलिग्नेंट एंड सेप्टिक स्टेज, डिप्थेरिया, गैंग्रीन, ट्रॉमेटिक एंड सेनाइल, स्पेशली अभी अभी वो जो नया वाला डिसीज आया है ना, उसके अंदर भी ये बहुत इंडिकेटेड है। क्यों? उसमें क्या होता है? गैंग्रीन ना, फंगस आ जाता है तो वो कट करके निकाल देना पड़ता है, तो सड़ोज छे ने, तो अगर उसमें भी इंडिकेशन मिलते हैं तो वहां पे भी ये मेडिसिन सोचा जा सकता है। कार्बनकल्स विथ डार्क ब्लूइश एंड पर्पलिश अपीयरेंस, कार्बनकल नहीं, कहीं पे भी डार्क ब्लू और पर्पल अपीयरेंस मिले, देन इट इज इंडिकेशन फॉर लैगेसिस, चाहे पाइल्स ही क्यों ना हो, चाहे वाट्स ही क्यों ना हो, लेकिन अगर डार्क ब्लू और पर्पलिश हैं, दूसरे दो तीन इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो वहां पे लैगेसिस सोचा जाना चाहिए। रैपिड ऑनसेट ऑफ डिसीज विथ प्रोस्ट्रेशन, सो अभी अभी जो डिसीजेस हैं उसमें क्या होता है, अगर ऑनसेट रैपिड है, थर्स्टी है, कवर एवर्जन है और ब्लीडिंग मिल रहा है और बहुत वीकनेस है, फीवर हो या ना हो दूसरी बात है, तो कौन सा मेडिसिन आएगा? पैथोलॉजी से हमें बहुत लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है इंडिकेशंस। एपिलेप्सी कम्स ड्यूरिंग स्लीप, ब्रीदिंग स्पॉट्स एज ही स्लीप्स, ब्रीदिंग स्टॉप्स एज ही स्लीप्स, उसको ऐसा लगता है जैसे मैं सो जाऊंगा मेरा ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगा। एपिलेप्सी नहीं, कोई भी दिक्कत अगर स्लीप के दौरान शुरू होती है, स्लीप एग्रावेशन है, तो वहां पे भी लैगेसिस सोचा जाना चाहिए। लिक्विड्स आर मोर पेनफुल देन सॉलिड व्हेन स्वेलोइंग, अभी चाहे डिप्थेरिया हो, चाहे वायरल थ्रोट इन्फेक्शन हो, चाहे थ्रोट कार्सिनोमा हो, लेकिन अगर उसको लिक्विड मोर पेनफुल हैं, तो वहां पे लैगेसिस सोचा जाना चाहिए। ग्रेट लोक्वासिटी, बहुत बातूनी, इतना बातूनी, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, दूसरे टॉपिक से तीसरा टॉपिक, अरे हमारे बाजू वाली सविता बाई है ना, उनकी तो बात ही मत पूछिए, वो तो ऐसा ऐसा है, उनके पति हैं वो, उनका 20,000 का सैलरी है, फिर भी इतने लोभी लोभी, बात ही मत पूछो, लोभी से याद आया, वो फलाने लोग हैं ना हमारी, वो सोसाइटी वाले, उन्होंने तो लोभ में इस चीज़ की दवाई नहीं करवाई और उसके कारण है ना उनको बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गए। हाँ, वो अगर नई दवाई आई है ना मार्केट में, वो तो बहुत कारगर है, मार्केट पे से याद आया, अभी तो लॉकडाउन है। कंटिन्यूअस चेंजिंग वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट एंड अनदर सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट, ऐसी लोक्वासिटी मिलती है, वहां पे लैगेसिस सोचना है। पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट साइड, साइटिका ऑन राइट साइड, प्रेगनेंसी अल्बुमिनूरिया ड्यूरिंग, अब प्रेगनेंसी के दौरान अगर यूरिन में अल्ब्यूमिन है, इडिमा है, हाइपरटेंशन है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उस टाइप की कंडीशन के अंदर भी लैगेसिस सोचा जाना चाहिए। ट्यूमर और सिस्ट ऑफ ओवरी ऑन लेफ्ट साइड, पीरियोडिसिटी टर्सियन एवरी 14th डे और एवरी समर और एनुअली, पीरियोडिसिटी इज देयर, देन लैगेसिस इज द मेडिसिन, इट इज अ वन इंडिकेशन फॉर लैगेसिस। लैगेसिस में पीरियोडिसिटी होनी चाहिए ऐसा नहीं है, अगर पीरियोडिसिटी है तो लैगेसिस सोची जानी चाहिए।
पता चल रहा है, ये थॉट प्रोसेस हम आपके अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं, और यही गुरुकुल है कि आप इस तरह से सोचते हुए चले जाएं, फिर उसके आगे आपका जर्नी है, आपको जितना जर्नी करना है उतना कीजिए। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ओरिफिसिस, सो किसी भी ओरिफिस का कॉन्स्ट्रिक्शन, अभी अभी क्या होता है जो डिसीज आए हैं उनमें, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट और चेस्ट, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसी तरह अगर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एनल स्फिंक्टर मिले, टेनिसमस कहा जाता है उसे, फेंटनेस फ्रॉम स्लाइटेस्ट मोशन ऑफ फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिटस अगर मोशन करता है फिर भी फेंटनेस आ जाती है, तो इट इज अ इंडिकेशन फॉर लैकेसिस। स्वेलोइंग एम्प्टी इज एगोनिसिंग, पेन इन थ्रोट एक्सटेंड टू ईयर, थ्रोट का पेन ईयर के अंदर जाना, पैथोलॉजी कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे फेरिंजाइटिस हो, चाहे लेरिंजाइटिस हो, चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो, पैरासाइटिक हो, फंगस हो, कुछ भी हो, हमें उससे बहुत लेना देना नहीं है, हमारा फोकस क्या है, इंडिकेशंस। पाल्पिटेशन विद फाइंटनिंग स्पेल्स, इंटॉलरेंस ऑफ प्रेशर, नमनेस, अनेबल टू लाई ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड के ऊपर नहीं सो सकते। अगर राइट साइडेड अच्छी नींद आती है तो भी लैकेसिस सोचा जाना चाहिए, लेफ्ट साइडेड नहीं सोया जाता तो भी लैकेसिस सोचा जाना चाहिए। माइंड, अभी कौन कौन से मेंटल इंडिकेशन, जेलसी, इनसेन, अब पहले हम पढ़ जाते हैं फिर आपको लेयर्स ऑफ लैकेसिस समझाते हैं। रिलीजियस, सस्पिशियस, डेल्यूजन, थिंक सी इज अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल, ग्रेट सेंसिटिव टू टच, चीयरफुल, हैप्पी, फेंसिस, एक्सलेशन ऑफ लाइवली, मेमोरी वीक फॉर व्हाट सी हैज रीड, मिस्टेक इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, आइडियाज अबंडेंट, रश ऑफ, ओपन अप मासिव, वांट्स टू बी अहेड ऑफ कंपटीशन। अब क्या है, एक ही मरीज के अंदर ये सारे इंडिकेशन मिलेंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट पता होना चाहिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि उसकी साइकोलॉजिकल एज कितनी है, उसके इश्यूज ज़्यादातर कहाँ पे हैं, साइकोलॉजिकली वो चिल्ड्रन की एज में है, एडोलेंस में है, यंग में है, चाहे वृद्ध में है। अगर लैकेसिस के अंदर आपको रिलीजियस या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मिले तो फिर उसी मरीज के अंदर आपको जेलसी और सस्पिशियसनेस ऐसे इंडिकेशन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियसनेस है उसका मतलब क्या है, फेथ इन द गॉड, वो सुप्रीम पावर के अंदर बहुत बिलीव करते हैं, तो एक बार उसका डेवलपमेंट हो गया उतने लेवल तक तो फिर उसके अंदर जेलसी, रिवेंजफुलनेस, ये सब डाइल्यूट हो जाएंगे। सो जब आप थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तब आपको साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आना चाहिए, कि एक मरीज है लैकेसिस का जिसके अंदर हमें जेलसी मिला, जिसके अंदर हमें चीयरफुल मिला, मिस्टेक्स इन राइटिंग एंड स्पीकिंग मिला, मतलब क्या हुआ कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एक लेवल के ऊपर है, तो फिर उसी लेवल के इंडिकेशंस हमें मिलेंगे। हर बार लैकेसिस के अंदर जेलस होना जरूरी नहीं है, हर बार लैकेसिस के अंदर बदला लेने की भावना, रिवेंजफुलनेस होना जरूरी नहीं है। अगर वो बंदा है जो खुद साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर प्रोग्रेस कर चुका है तो उसके अंदर से ये सब निकल जाएगा, तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा, तो ढूंढने का ट्राई मत कीजिए, और इस तरह से मत कहिए ये रिलीजियस है मगर जेलस नहीं है ना इसीलिए लैकेसिस नहीं दिया। नो, ये सिर्फ लैकेसिस में नहीं, हर जगह काम आएगा, और इसीलिए हम आपको मना करते हैं कि जब तक हमें ना आए माइंड मत लीजिए, क्योंकि माइंड इज वेरी ट्रिकी थिंग। अगर एक के बदले दूसरा इंडिकेशन ले लिया, मेडिसिन गलत गया, नहीं लेने का था वो इंडिकेशन ले लिया, मेडिसिन गलत गया, क्या होएगा, सस्पिशियस है ऐसा हो गया होगा तो वो ऐसा करेगा तो सो होमिसाइडल और सुसाइडल के अंदर भी आपको लैकेसिस मिलेगा। अगर होमिसाइड और सुसाइडल मिलता है तो वहां पे भी लैकेसिस सोचना है ड्यू टू सस्पिशियसनेस, और सस्पिशियसनेस क्यों है, ड्यू टू जेलस, वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा तो वो उसने क्या किया होगा, वो कैसे पढ़ता है, मैं उसके बेस्ट फ्रेंड है ना उसको पूछूं वो कैसे पढ़ता है, वो मेरे को बता देगा तो वो पूरा प्लान बनाते हैं।
सो प्लांट्स मेकिंग ऑफ के अंदर भी आपको लेकेसिस मिलेगा। रोहित और प्रतुल्य फ्रेंड है, रोहित टॉपर है, अब मेरे को उससे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मैं प्रतुल्य को पट्टी में पढ़ाऊँ, उसको मैं पूछूँ उसको क्या पसंद है, वो पूरा दिन खाता रहता है, तो कल उसको संजय भाई के पास नाश्ता करने के लिए ले जाऊँगा, वहाँ ले जाने के बाद नाश्ता करते करते उसको पूछूँगा कि रोहित किस तरह से पढ़ता है। मालूम हुआ, ये एक लेयर हुआ जहां पे आपको लेकेसिस मिल रहा है। दूसरा क्या होएगा? दूसरा आपने देखा होगा कई सारी औरतों को भगवान आ जाते हैं, मैं माताजी हूं या मैं दादा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पीर हूं, मैं फकीर हूं, कुछ भी, उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा है। बहुत रिलीजियस, पूरा दिन वो भगवान 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 ही करते रहते हैं, दो दो तीन तीन घंटे पूजा के दौरान रहते हैं, और कई दफा ऐसा भी होता है वो जो कहते हैं वो अच्छा हो जाता है। सो क्लेयरवॉयंस हो जाए, क्लेयरवॉयंस के अंदर भी आपको लेकेसिस मिलेगा। क्लेयरवॉयंस का मतलब क्या हुआ? उनको पहले से मालूम चल जाना कि ऐसा कुछ होने वाला है, या तो ऐसा कहीं हो चुका है, ऐसा आभास होना। सो इट इज अनदर लेयर। वो सब कुछ एक में ही नहीं मिलेगा। और फिर आखिरी लेयर में मेमोरी बहुत वीक हो चुकी है, पता नहीं क्या बोलना है क्या लिखना है, फॉरगेटफुलनेस आ गई है, पार्किंसोनिज्म हो गया है, ओल्ड एज हो गई है, तो उसमें ना ही जेलसी मिलेगा, ना ही रिलीजियस, ना ही सस्पिशियसनेस, कुछ नहीं। सो कुछ भी मिल सकता है इनमें से, लेकिन हर बार अलग अलग मिलेगा। सो माइंड इस तरह से लेना है, और इस तरह से माइंड लेना आए तभी ही लेना है, नहीं तो हमारी तरह करिए, हॉट थर्स्टी लेफ्ट साइडेड थ्रो क्लोथिंग एग्रावेशन स्वीट डिजायर स्पाइसी डिजायर ब्लीडिंग, बस बहुत हो गए ऐसे इंडिकेशन, याद रखिए और प्रिस्क्राइब कीजिए। रिंगवर्म है, लेफ्ट साइडेड से राइट साइडेड की ओर जाता है, राइट साइडेड स्लीप है, हॉट पेशेंट है, और रिंगवर्म में इतना खुजान आता है कि वो खून निकाल देता है। मेडिसिन इज मोडालिटी, एग्रावेशन ड्यूरिंग स्लीप, मॉर्निंग, हीट ऑफ समर, स्प्रिंग, लाइट, टच और प्रेशर, रिटार्डेड डिस्चार्जेस, क्लाइमेक्सिस, अल्कोहल एंड क्लाउडी वेदर। डिस्चार्ज के साथ हर दिक्कत बेहतर हो जाती है। एक मरीज थे, अर्टिकेरिया होता था, मेंसिस से 10 दिन पहले अर्टिकेरिया होए और मेंसिस आए उसके साथ अर्टिकेरिया रिलीव्ड। क्लाइमेट्री का एज था, हॉट पेशेंट थे और टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन मिल रहा था, इनके ऊपर से हमने उनको लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया और आज तक उनको बहुत अच्छा है। दूसरा जो है एग्रावेशन स्प्रिंग, हे फेवर, हे अस्थमा का केस था, अस्थमा इन ओनली इन एवरी स्प्रिंग, वसंत ऋतु के दौरान ही, होली के आजू बाजू ही अस्थमा का दिक्कत होना। क्लाइमेटरी का एज था, हॉट पेशेंट थे, राइट साइडेड स्लीप था, सो उसमें ही इन चार इंडिकेशन के ऊपर हमने अस्थमा के केस में भी लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। एमिलोरेशन इन ओपन एयर फ्री डिस्चार्ज, कोल्ड ड्रिंक, सिटिंग बैंड, ईटिंग स्पेशली फ्रूट, इरेक्टेशन, बाथिंग अफेक्टेड पार्ट एंड हार्ड प्रेशर। अभी इरेक्टेशन, लाउड इरेक्टेशन के लिए कौन सा मेडिसिन है? गलत, लेकेसिस भी है। लाउड इरेक्टेशन, हॉट पेशेंट, क्लाइमेटरिक एज और एलिमेंट्स आफ्टर डेथ ऑफ लव्ड वन, एलिमेंट्स आफ्टर जेलसी, एलिमेंट आफ्टर अगोनी, अगर ऐसे कुछ एलिमेंट के बाद उनको लाउड इरेक्टेशन आना शुरू हुए हैं और बेल्चिंग हो जाती है इरेक्टेशन के बाद, अच्छा लगता है, तो वहां पे भी लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। हमने बहुत से केसेस में इस तरह से लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। क्लियर? कॉजेशन, इल इफेक्ट ऑफ इंजरी एंड पंक्चर्ड वुंड, नाक के अंदर हीरा पहनना है, कान के अंदर हीरा पहनना है और इसके लिए पंक्चर वुंड करवाया और उसके बाद नाक या कान दुख रहा है, या तो न्यूरालजिया हो गया, या तो पैरालिसिस हो गया, या तो पस फॉर्मेशन हो गया, कुछ भी हो गया, दूसरे इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो वहां पे लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। स्पेशली लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया गया है, उसके बाद अगर कुछ इल इफेक्ट रह गए हैं, चाहे वो लेप्रोस्कोपी हो या लेप्रोटोमी हो, उसमें क्या होता है? पंक्चर्ड वुंड होता है ना, देखा है कभी? तो वहां पे भी लेकेसिस सोचा जा सकता है अगर दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तो। हर बार इंजरी के अंदर आर्निका, रस्टॉक्स, रूटा और ब्रायोनिया नहीं सोचना है, लेकेसिस भी आ सकता है। एलिमेंट आफ्टर ग्रीफ एंड फ्राइट, वेक्सेशन एंड एंगर, मतलब ग्रीफ, फ्राइट, वेक्सेशन, एंगर, इन सब का मतलब क्या है?
डर जाना, गुस्सा होना, रोष होना, दुख होना, नेवर वेल सिंस क्लाइमैक्सिस मतलब कि मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के बाद से अच्छा नहीं है, वहाँ पे दिक्कत शुरू है, स्पेशली हाइपरटेंशन आफ्टर मेनोपॉज और हाइपरटेंशन आफ्टर हिस्टेक्टोमी बहुत मिलते हैं। उनमें हमने बहुत लैकेसिस प्रिस्क्राइब किए हैं, तकरीबन हर रोज 8-10 प्रिस्क्रिप्शन लैकेसिस के जाते हैं। सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज, चाहे कान में से निकलता हुआ डिस्चार्ज सप्रेस हुआ हो, चाहे कोराइजा सप्रेस हुआ हो, चाहे स्पुटम सप्रेस हुआ हो, चाहे ल्यूकोरिया सप्रेस हुआ हो, चाहे मेंसिस सप्रेस हुआ हो, चाहे वजाइनल डिस्चार्ज सप्रेस हुआ हो, चाहे दूसरा कोई डिस्चार्ज सप्रेस हुआ हो, लेकिन कोई भी डिस्चार्ज अगर सप्रेस किया गया है और उसके बाद दिक्कत शुरू होता है, दिक्कत का नाम स्किन की कुछ भी कंप्लेंट से लेके कार्सिनोमा तक, एक्यूट से लेके क्रॉनिक तक, सुपरफिशियल से लेके डीप तक, मेंटल से लेके फिजिकल तक, कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी दिक्कत हो, वहाँ पे लैकेसिस सोचा जाना चाहिए। तो मित्रों, ये है लैकेसिस, ये है होम्योपैथी। इस तरह का सोच आपके अंदर हो जाए तभी हमारा ग्रुप कुल सफल कह सकते हैं। आप में से एक भी बंदा अगर